गहना के चलते आलिया ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसे में वो हॉस्पिटल पहुंच गई है और उसे देखने के लिए वहां पर गहना आती है। आइए आप दोनों कंटिन्यू। देखो शौक ये लोग कहाँ गए। कंटिन्यू। तभी गहना की नजर आलिया की माँ उर्वशी पर जाती है, जहाँ उर्वशी पंडित जी को आलिया की कुंडली दिखा रही है। वल आपको बता दे कि इन सब के पीछे उर्वशी का ही हाथ है। दरअसल आयुष्मान और गहना की शादी उर्वशी ही कराती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आयुष्मान की कुंडली में जो दोष है वो उनकी बेटी को आए, वो उनकी बेटी को लगे। इसीलिए पहले वो गहना से शादी करा देती है और अब गहना और आयुष्मान को दूर करके आलिया से शादी कराना चाहती हैं, इसीलिए पंडित जी को कुंडली दिखाती हैं। हाँ वो लड़की क्या नाम बताया था आपने उसका? पैरिस। कट एक सेकेंड ना थोड़ा। हाँ वो लड़की क्या नाम बताया था आपने उसका? पंडित जी क्या नाम बताया था आपने उसका? पंडित जी वल उनकी बात जानने के लिए गहना उर्वशी की ओर जा ही रही थी कि तभी आयुष्मान गहना को रोक लेते हैं और गहना आलिया का हालचाल आयुष्मान से पूछने लगती है। और आयुष्मान भी परेशान है, क्योंकि आलिया ने अपने लेटर में गहना का नाम उल्लेख कर सुसाइड किया है। तो अब देखना होगा क्या आलिया के इस हरकत की वजह से गहना को जेल हो जाएगी। एंड फॉर मोर सच टेल टाउन अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद जय शोबिज़।